أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنوا موتاكم لا إله إلا الله आप एक अरसे से इस सिलसिले बाद गुफ्तगू सुन रहे हैं। कुरान मजीद सूरह निसा में आयत नंबर 17 और 18 को मैं मुकम्मल नहीं कर पाया, अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि किन लोगों की तौबा किस वक्त कबूल होती है और किन लोगों की तौबा किस वक्त कबूल नहीं। खुसूसन जब आदमी मरने के करीब होता है, आप चूंकि अहकामुल मैयत अहकामुल जनाय सुन रहे हैं, जब आदमी मरने के करीब होता है उस वक्त वो यकीनन अल्लाह के करीब होता है और उसे ये भी यकीन होता है कि अब मैं मर रहा हूं, अब दुनिया छोड़ जाऊंगा, बंगला छोड़ जाऊंगा, दुकान छोड़ दूंगा, फैक्ट्री छोड़ दूंगा, बीवी बच्चे सब छोड़ दूंगा, अकेला चला जाऊंगा। अब वो दुनिया को भूलने लगता है और आखिरत को याद करता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स ऐसे वक्त में मालम युहर के अल्फाज आते हैं कि जब तक उसकी जान नरखरे तक पहुंच जाती है तब अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं करता। इसी तरह फरमाया सूरज जिस दिन मशरिक की बजाय मगरिब से शुरू होगा अल्लाह तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। मौत के फरिश्ते को जब इंसान देखता है, कुरान मजीद सूरह अनआम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, कि जो शख्स मौत से पहले ईमान नहीं लाए, मौत का फरिश्ता देखने से पहले इल्ला अन तातियहु मलाइका औ याति रब्बु औ याति बाज़ु आयाति रब्बिक, जब अल्लाह के फरिश्ते उसके पास आ गए या अल्लाह खुद आ गए या अल्लाह की आयात और निशानियां आ गई, फिर वो कहे कि मैं अब मानता हूं लाजन को नफ्सत ईमान, उस वक्त किसी शख्स को वो सब उसका जो ईमान है वो नफा नहीं दे, वो फायदा नहीं दे। तो इसलिए मौत का फरिश्ता देखने से पहले इंसान अपने आप को सीधी राह पर डाल ले, अल्लाह के करीब कर ले, अल्लाह से दोस्ती कर ले, अल्लाह से रिश्ता नाता जोड़ ले, अल्लाह की नाराजगी को तौबा से दूर कर ले, गुनाहों की माफी मांग ले, तो फिर इंशाअल्लाह बख्शिश का सामान बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिस शख्स की जिंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, दाखिल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो। इससे कुछ लोग गलत मफहूम लेते हैं, कुछ तो ये मफहूम लेते हैं कि सारी जिंदगी कुछ भी करता रहे, मरते वक्त कलमा पढ़ ले बस हो जाए। ऐसा नहीं, मरते वक्त तो फिरौन ने भी कलमा पढ़ा था, और अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ और वाज़ह लफ्ज़ों में मना कर दिया, कबूल ही नहीं। और कुछ लोग इसका यह मतलब लेते हैं, वो भी गलत है, कि अगर किसी ने मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ा तो समझो वो दोज़ख में जाएगा, या दिल में समझते हैं कि ये कोई नेक आदमी नहीं था, कलमा ही नहीं पढ़ा। हालांकि वो सारी जिंदगी कलमा पढ़ता रहा और सारी जिंदगी कलमे के मुताबिक अमल करता रहा, मरते वक्त नहीं पढ़ा, उसकी रीजन उसका सबब कुछ भी हो, लेकिन ये कियास करानियां गलत। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ जिंदगी का, वो जन्नत में जाएगा, लेकिन ये कहीं नहीं फरमाया जिसका आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह ना हुआ वो दोज़ख में जाएगा, ये कहीं नहीं फरमाया। तो ये अंदाजा और ये कियास करना अपनी तरफ से ये गलत। मैं एक दो मिसालें हदीस में से दूंगा आपको ताकि बात वाज़ेह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 70 कारी और हाफिज भेजे थे, जो धोखे से मुनाफिकीन आपसे ले गए थे कि हमारे इलाके में तबलीग की बड़ी जरूरत है, उसमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामू हराम वो भी मौजूद, उन कारियों में वो भी शामिल, और एक और सहाबी थे जो टांगों से थोड़े मजबूत थे, लंगड़ा के चलते थे, वो भी उसमें। उन सारे लोगों में से वो एक जो लंगड़ा था वो बचा, टांगों से भी मजबूत है लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी, वो जब लोग मारने में लगे हुए थे वो किसी तरह बच बचा के पहाड़ी के पीछे ओट में छुप छुपा के पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने नीचे इधर उधर देखा, वो नजर नहीं आया तो वो चले गए, बाकी सबको मार। वो बताते हैं कि हजरत अनस के मामू को पीछे से आकर उसने तीर मारा, सीने में ऐसा वार किया कि पीछे से मारा और आगे से तीर निकले, और जब उनको तीर लगा तो उसने पहला जुमला जो मुंह से निकाला अल्लाहु अकबर, और दूसरा जुमला जो गिरने से पहले मुंह से निकाला अल्लाहु अकबर के बाद वो था खुस्तु व रब्बिल काबा, कि काबे के रब की कसम में कामयाब। और इसी तरह के अल्फाज उहुद में हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला उनसे भी मिलते हैं कि जब उनको तीर लगा और वो ग़ज़वा उहुद में गिरने लगे तो गिरने से पहले उन्होंने यही जुमला कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब, कलमा नहीं पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ो। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला ने बोलने का मौका दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं कामयाब हूं। फिर आया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, अब उनकी आकबत अच्छी हुई कि नहीं हुई, फैसला सारी जिंदगी जो बंदा गुजार के गया है अल्लाह के यहां फैसला उस जिंदगी पर होता है। ये जो आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह है उसके मानी ये है
कि मैं जिस अहद पैमान पर सारी जिंदगी गुजार के आया हूं, आया अल्लाह अब उसी अहद पैमान पर तेरे पास था। गोया मैंने ना मरते वक्त ईमान को छोड़ा और ना जिंदगी में ईमान को छोड़ा। लेकिन किसी ने अगर ये जुमला नहीं कहा, वो सारी जिंदगी मोमिन रहा, मुसलमान रहा, नमाजी रहा, परहेजगार रहा, वो कामयाब है। मुहद्दिसीन इसका जवाब देते हैं कि उसने करने की बजाय फुस्त वरब बिलकाबा की काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। क्यों कहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है कि आपने फरमाया कि जब आदमी मरने के करीब होता है, बिल्कुल उसके आखिरी लम्हात होते, अल्लाह के फरिश्ते उसको उसका ठिकाना दिखाते हैं। अगर वो जन्नती है तो जन्नत दिखाते हैं, दोस्ती है तो दोलत दिखाते हैं। जब उनको जन्नत दिखाई, जन्नत के महल्लात, जन्नत के बागान और जन्नत का वो खूबसूरत मंजर मरते वक्त जब उसके सामने आया, उसको देखते ही वो कलमा पढ़ना भूल गया, बेसाख का जुबान से निकला, अल्लाह की कसम रात काबे के रब की कसम में कामयाब हो। यानी जिस मकसद से मैं मुसलमान हुआ था, जिस मकसद से मैंने जिहाद किया था, जिस मकसद से मैंने शहादत को गले से लगाया, वो मकसद मैंने पा लिया, वो मकसद मैंने पा लिया। सिर्फ ये नहीं कि मुहद्दिसीन ने तशरीह कर दी और हमने मान लिया कि वो जन्नत में चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत जाबिर को उदास देखा तो पूछा, क्या बात? कहा, अल्लाह के रसूल, अब्बा बहुत हो गए हैं और बहनों का साथ भी है और अब्बा काफी कर्ज लेकर भी गए हैं और उनका कर्जे का बोझ भी अब मुझ पर है। आपने जो बाकी बातें बताई उनमें से एक बात ये भी थी कि तुम्हें पता है मेरा अब्बा कितना खुश नसीब। अल्लाह ताला ने उहद वालों को जमा किया और उनसे पूछा कि तुम मुझसे कुछ मांगो। उन्होंने कहा, हमें तो बगैर मांगे सब कुछ मिल रहा। अल्लाह ने तीन दफा पूछा, उसमें तेरा अब्बा भी शामिल है। और उन्होंने मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह, अगर तू जरूर हमें कुछ देना चाहता है, अंतरुद अरवाहना फी अजसादना हत्ता नक्तुल फी सबीलिका रद्दतल उखरा, कि तू हमारी रूहों को वापस हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि हम तेरे रास्ते में फिर से कतल हूं और फिर से शहीद हूं, फिर से रुतबा हासिल करें और फिर ये मकाम हासिल करके तेरे दरबार शहीद। एक मसला और भी वादे करता जाऊं कि कुरान कहता है शहीद जिंदा होते हैं, कुरान कहता है शहीद जिंदा होते हैं, और यहां यह बताया जा रहा है कि जो जिनको कुरान जिंदा कहता है उनकी रूह भी उनके जिस्म में नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह को हमें जरूर देना चाहता है तो हमारी रूहों को अंतरुद्ध अरवाहना फी अजसाद देना, हमारे रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा है। तो जिनको कुरानी मुद्दा कहता है उनकी रूह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो हर जुमरात को आ जाती है और फलाने दिन आ जाती है और ये हो जाता है वो हो जाता है, घर के चक्कर लगाती है, जब तक मौलवी को कंबल न दे तो वो सर्दी में रूह ठठरी रहती है, मदरसे के बच्चों को खाना न खिलाए तो वो भूखी रहती है, तो क्या क्या मसले हैं लोग बताते हैं। और फिर लोग जरा भर में सवाल करते कि गोली साहब, हर दूसरे दिन हमारा अब्बा आपको काम में आता है, कभी उसका पेट अंदर धंसा हुआ आपको दिखता है, कभी सर्दी से ठठरा हुआ आपको दिखता है, अब्बा हमारा है लेकिन आका हमेशा तुम्हारे हाथ में है, हमें क्यों नहीं दिखता? कोई पूछता ही नहीं, सवाल ही नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वादे फरमा दिया कि जमीन पे गिरते वक्त ऐन शहादत के वक्त हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्ला ने कलमा नहीं पढ़ा,
लेकिन जन्नत में, जन्नत में। तो इसलिए ये मफहूम ले लो, और इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सय्यदा आयशा जो बयान करती है कि आखिरी लम्हा आपका सर मेरी गोद में था और आपके आखिरी कलिमात ये थे, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक अल्आला, ऐ अल्लाह ऐ बुलंद साथी, यानी मैं तेरी रफाकत को, तेरी कुर्बत को, तेरे साथ को मैं पसंद करता। ये जुमले आप बार बार जुबान पे कह रहे थे, बार बार जुमला कह रहे थे, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज हासिल नहीं थे। अगर कहे हैं तो हदीसों में कहीं से कर ले। आप खुद कहने वाले हैं कि जिसका आखिरी कलमा, अब कोई कह सकता है कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी ने कलमा आखिर में नहीं पढ़ा है तो कोई कह सकता है आपके जन्नत में जाने में कोई शक है? जन्नत का दरवाजा ही आप खुलवाएंगे, जब तक आमना का लाल जन्नत के दरवाजे पर नहीं आएगा अल्लाह जन्नत का दरवाजा ही नहीं खोलेगा। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी ताजदार है रिसालत, रिसालत और नबूवत के आखिरी ताजदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दाखिल। और दूसरी बात, आपने फरमाया दफ्ते जो बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह अपने मरने वालों को, कुछ लोग इसका मतलब लेते हैं कि अपने मुर्दों को, लफ्जों के मौतों के अल्फाज से कि अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, तो कुछ लोग फिर, बल्कि एक सियासी लीडर भी है, सियासी मौलवी भी है, शेख उल इस्लाम भी कहलाते हैं, नेट पे बड़े क्लिप उनके फिर रहे हैं कि वो अपने बेटे को दफन करने के बाद उसकी कब्र पे खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं इसी हदीस के हवाले से कि बेटा कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। ये तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। आपने कलमा पढ़ने का कहा, लेकिन जो शख्स मरने के करीब है उसके लिए फरमाया तलकीन करो, और तलकीन का मतलब यह भी नहीं कि उसे कहो पढ़ कलमा पढ़, पढ़ कलमा पढ़, अब्बा कलमा पढ़, दादा कलमा पढ़, मामू कलमा पढ़, नहीं। आपने फरमाया वो वक्त तकलीफ और दुख का होता है, और दुख और तकलीफ के मौके पर इंसान चिड़चिड़ा हुआ होता है, हो सकता है आप उसे कहो मामू कलमा पढ़, अब वो तंग आया हुआ है और वो कहे नहीं पढ़ पाया, चुप कर नहीं पढ़ पाया, तो ये जुमला अच्छा नहीं, वो कलमा पढ़ने से इनकार कर ले तो ये खात्मा अच्छा नहीं। इसलिए फरमाया उसको ये ना कहो कि कलमा पढ़, बल्कि उसके पास बैठ कर खुद आवाज बुलंद, इतनी आवाज से कि वो सुनता रहे, आवाज बुलंद उसके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसके सामने ये कलमा पढ़। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इसलिए जुमला कहा कि कुछ लोग इसी ही के कायल है कि जी हदीस में चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह आया है, मैं समझता हूं ये जो हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह आया है ये बतौर नाम के है, कलमे का ये नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे हदीस में आया है वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि हदीस में बिस्मिल्लाह है और इससे आगे कुछ नहीं, अब हमारे रहीम के जो अल्फाज है वो नहीं है, लिहाजा हमें सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर वुजू करना चाहिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर वुजू नहीं करना, ये फिक्र ठीक नहीं। बिस्मिल्लाह का ये नाम पढ़ गया, जैसे मैं आपसे कहूं भाई आपको कुल्हो वल्ला याद है, आप कह दी हाँ मुझे याद है, मैं कहूँ अच्छा कुल्हो वल्ला सुनाओ, तो आप क्या मुझे सिर्फ कुल्हो वल्ला कुल्हो वल्ला कुल्हो वल्ला यही सुनाते रहोगे? आप कुल्हो वल्ला अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पूरी सुनाएं।
इसलिए कि कुलो अल्लाह से मेरी मुराद भी यही है कि आप पूरी सूरह इखलास सुना और आपने भी उसको यही समझा। कोई कहता है अलहम सुनाओ, आपको अलहमद आती है अलहम सुनाओ, तो आप वालिम तक पूरी फातिहा पढ़ेंगे। ये उनके नाम पर जाते हैं। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह करो वुजू से पहले, मकसद यह है कि पूरी बिस्मिल्लाह करो, खाने से पहले पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ो। लेकिन अगर कोई शख्स वही हदीस के अल्फाज को पकड़ कर कहीं रुका हुआ है तो हम उस पर कोई फतवा नहीं लगाते। अल्लाह ताला उसको मजीद तौफीक दे कि वो अल्लाह को रहमान भी माने, रहीम भी माने और उसका जिक्र भी करे और उसका एतराफ भी करे। लेकिन अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह कहता है तो भी उसका काम चल जाए। तो इसी तरह हदीस ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके पास बैठ कर कलमे की तलकीन, तलकीन से मुराद ये है कि आप खुद पढ़ो, खुद पढ़ते रहो ताकि उसको भी शौक हो, शौक हो। जब आप पढ़ोगे आपके साथ वो भी साथ मिल जाएगा और वो भी पढ़ने लग जाएगा और इसी में पढ़ते पढ़ते उसकी चाल निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स मुसलमान ही इसी वक्त होता है, तौबा ही इसी वक्त करता है, उन लोगों की तौबा रब्बुल आलमीन कबूल करता है, उन पर तवज्जो देता है, उनकी दुआओं पर, उनकी फरियाद पर, उनकी पुकार पर, उनके आंसुओं पर, उनके सजदों पर रब्बुल आलमीन तवज्जो देता है। सूरम भी जहादत उनसे कोई नादानी में भूल चूक हो जाती है, भूले से बशरी तकाजे से कोई गुनाह सरजद हो जाता है और फिर क्या करते हैं, फौरन फौरन तौबा करते हैं, करीबन फौरन जल्दी से गुनाह हो जाने के बाद फौरन तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां रुजू करते हैं, नदामत की अश्क बहाते हैं, शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आइंदा ना करने का वादा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐसे लोगों की तौबा रब्बुल आलमीन कबूल करता है। सारी जिंदगी में जब भी उनके दामन में, जिंदगी के दामन में जब भी कोई दाग लगा और धोने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो दाग धो दिया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया, उनके आंसुओं को रब्बुल आलमीन ने अपने दामन रहमत से पोंछ लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी उनको थपकी भी दी, उनको शाबाश भी दी, बल्कि हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा अपनी मखलूक में वो बंदे पसंद हैं, वो बंदे पसंद है। फरमाया कुल्लो बनी आदम खताऊन, यूं तो आदम का हर बेटा खताकार है, हर बेटा आदम का गुनाहगार है, हम भी आदम जाते हैं, हम भी आदम की औलाद है, हर बेटा आदम का गुनाहगार है। लेकिन फरमाया खैरुल खताऊन अत्तवाबून, लेकिन अल्लाह की नजर में बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करते हैं, गुनाह तो करते हैं लेकिन तौबा भी करते हैं, दाग तो लगते हैं लेकिन धोने की कोशिश भी करते हैं। एक हदीस में रब्बुल आलमीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये कहता है अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो फरिश्ते बन जाओ, गुनाह करना छोड़ दो फरिश्ते बन जाओ, अल्लाह तुम्हें सफा हस्ती से मिटा देगा और तुम्हारी जगह ऐसी मखलूक ऐसी कौम रब्बुल आलमीन लेकर के आएगा जो गुनाह भी करेगी तौबा भी करेगी, गुनाह भी करेगी तौबा भी करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको माफ करेगा। गोया अल्लाह को ये पसंद है मेरे बंदे जब उनसे गुनाह हो, गुनाह अल्लाह को पसंद नहीं है लेकिन अल्लाह को यह पसंद है कि मेरे बंदों से जब गुनाह हो जाए तो फिर उस पर डटे न रहे, फौरन शर्मिंदा हो,
शर्मिंदा हूं, नादिम हूं, एहसास से गुनाह उनके दिल में उतर जाए और मेरे दरवाजे पर आकर रोए। अल्लाह को ये अच्छा लगता है, गलती होने के बाद, गुनाह होने के बाद मेरे दरवाजे पर आए, रोए, गिर गिराए, फरियाद करें। लेकिन फरमाया, अगर ऐसा आदमी कि मौत का वक्त आ गया, मौत का वक्त आ गया, सारी जिंदगी सियाह कारियों में गुजार, अब मौत के फरिश्ते को उसने देख लिया, मौत के फरिश्ते को देख लिया, अब जब मौत के फरिश्ते को देखा तो मौत यकीनी हो गई, अब यकीन आ गया मैं मरूंगा। फरमाया मैं सती तौबतुल्लज़ीन यामलून सय्यिआत, उन लोगों की तौबा को रब العالمین कबूल नहीं फरमाता। लैसत तौबतुल्लज़ीन यामलून सय्यिआत, जो गुनाह करते रहते हैं सारी जिंदगी सियाकारियों में गुजार दी, मौत के फरिश्ते को सामने देखा, हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुबतुल आन, जब मौत के फरिश्ते को सामने देखते हैं, उनको मौत नजर आती है, अब वो कहते हैं तुबतुल आन, अब मैं तौबा करता हूं। वल्लज़ीन यदूतूना वहुम कुफ्फार, और उनकी तौबा भी रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता, जो इस हाल में मर जाते हैं वो काफिर होते हैं, नाशुक्रे होते हैं, मुनकर होते हैं, इस हाल में भी मरे और फिर वो तौबा करे, अल्लाह कबूल नहीं करता, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, मौत को सामने देखकर दरिया में डूब रहा है, डुबकी आ गई, अब कहे मैं ईमान लाता हूं, मैं तौबा करता हूं, अल्लाह कबूल नहीं करता। फरमाया हत्ता इज़ा अदरकहुल मौत قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين। अल्लाह रब العالمین ने फरमाया हमारा एक बागी बंदा फिरौन, बागी बंदा जब दरियाए नील में उतरा और उसको दो तीन होते भी आ गए, मौत सामने नजर आने लगी, अब वो कहता है आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राइल, मैं ईमान लाया उस रब के साथ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसके साथ बनी इस्राइल ईमान लाई है, मैं भी उसी को अपना रब मानता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आल आना वकदा सईता, ऐ बदबख्त अब तो ईमान लाया है, इससे पहले तू बड़ी नाफरमानियां कर चुका, आज आना वक़्त आ गई, क़ब्ल वकुंत मिनल मुफ़्सिदीन, बड़े बड़े तू फसाद कर चुका, जब मैं मानता था तब तू नहीं मानता था, अब तू मानने पे आया है तो अब मैं नहीं मानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका ईमान कबूल करने से इनकार कर दिया, अब तेरे ईमान का कोई फायदा नहीं। فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, फरमाया हम तेरे साथ ये सलूक करेंगे, रहती दुनिया तक हम तेरे जिस्म को पानी से निकाल कर बाहर रखेंगे और सारी की सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देंगे। चुनाचे आज भी वो अजायब घर में मिस्र किया जाए घर में आज भी उसकी लाश मौजूद, भले निशाने लगा के रखे हैं, जैसे रखे हैं, अल्लाह ने बहरहाल उसको रखवाया, पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान। तो आखिर वक्त में इंसान की तौबा कबूल नहीं होती, तौबा का एक वक्त, हाँ ये वक्त है, बेहतरीन वक्त है, अल्लाह को मना लीजिए और दुनिया में यकीन मानिए, किसी शख्स को, किसी हस्ती को, किसी जात को मनाना इतना आसान नहीं है जितना रब को मनाना आसान, जितना रब को मनाना आसान। लोगों के सामने तो आप हाथ भी जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, बाल पगड़ी टोपी रुमाल अपने सर से उतार कर उसके कदमों में रख देते हैं, वो भाई है, बड़ा भाई है, कोई है,
बार दफा वो इतने मजबूर होते हैं, वो ठुड्डा मारते, वो कभी जो भी उछाल के फेंकते हैं, बार दफा को अब आया नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह को बनाने के लिए आपको टोपी कभी उतारने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सजदा और नदामत के दो आंसू, बस नदामत के दो आंसू और एक सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के समुंदर में तलातुल बरखा हो जाता है। जब इंसान कहता है अल्लाहुम्मा फिली, अल्लाह मुझे बख्श, मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, और मैं ये भी मानता हूं इस तेरी पूरी कायनात में हो सकता है मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार ना हो, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूंगा, लेकिन अल्लाह तू ये भी तो देख, मैं ये भी तो मानता हूं कि इस पूरी कायनात में तुझसे बड़ा गफ्फार भी तो कोई नहीं, तुझसे बड़ा गफूर भी तो कोई नहीं, तुझसे बड़ा रहीम भी तो कोई नहीं, तुझसे बड़ा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं। मैं इस यकीन के साथ तेरे दरवाजे पर आया हूं। जब इंसान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये इकरार एहद और पैमान करता है, भले उसकी जिंदगी 80 साल, 50 साल, 90 साल, 100 साल गुनाहों में गुजरी हो, लेकिन वो नदामत से अल्लाह के आगे जब ये जुमले कहता है, हदीस में आता है अल्लाह कहता है भाई सती मैं जला दी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, अगर तुम जमीन से लेकर आसमान तक सारी फिजा को गुनाहों से भर दो और फिर मेरे दरवाजे पर आकर सच्चे दिल से कहो अल्लाहुम्मा फिली, अल्लाह मुझे बख्श दे, फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम मैं तुम्हारे गुनाहों से दुगनी रहमत लेकर तुम्हारा इस्तकबाल करूं, मेरे दरवाजे पर आ तो सही, क्यों गिले करता है मैं इतना गुनाहगार हूं मेरी सुनता नहीं, मैं तो सब चीज सुनता हूं, मैं तो मुंतजर हूं तेरे आने का, तो तू कब आए, तू आता ही नहीं, तू आता ही नहीं है और कुसूर मेरे सर डालता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक दुनिया में अगर हम जोड़ लेंगे, ये चीजें हमारे लिए मौत के वक्त भी आसानी पैदा करें, मौत के वक्त भी ये चीजें आसानी पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर वो जो आदमी बिल्कुल मौत के करीब होता है, फरमाया फरिश्ते उसके आमाल के मुताबिक उसके पास आते हैं, अगर कोई गुनाहगार होता है तो बड़ी डरावनी शक्ल में आते हैं, बड़े बड़े दांत, काली शक्लें, बड़ी डरावनी शक्ल में, कि उसको दुनिया में ही पता चल जाता है कि मैं जिन लोगों के हाथों में मुझे दिया जा रहा है ये कोई रहने के लोग नहीं, आदमी देखकर अंदाजा लगा लेता है कि मेरे पास कौन आए हैं, कौन ले जा रहे हैं, कौन गिरफ्तार कर, गिरफ्तार तो सबने होना है, लेकिन आदमी को पता चलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक है वो आते हैं बड़ा तुर्श और तुंद लहजे में, हथकड़ियां लगाए, पेड़ियां बेड़ियां डाले और बड़े थप्पड़ मार मार के, कुरान मजीद में आता है जब फरिश्ते आते हैं यज़रिबून वुजूहहुम अदबारहुम, मौत के करीब उन लोगों को मारते हैं उनके चेहरे पर भी उनकी कब्र पर मार मार कर उसकी रूह को निकालते, अपने दू अंत हो सकू अपने अपनी रूह हमें निकालते, आदमी को अंदाजा हो जाता है कि मैं अब कहां जा रहा, किधर जाने वाला। और कुछ लोगों के पास फरिश्ते आते हैं ऐसी शक्ल से, इतने खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास, खुशबू से महके हुए आपके पास आते हैं तो आपकी पूरी महफिल मुअत्तर हो जाती है, आपको ऐसे लगता है कि ये मैं कोई वीआईपी हूं और ये किसी बादशाह ने अपनी दरबार में मुझे बुलाने के लिए मुझे प्रोटोकॉल दिया है और ये वो प्रोटोकॉल टीम है जो मुझे लेने आई है, आपको यही अंदाजा हो जाता है कि मैं किधर जा रहा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब अंबिया से अल्लाह ताला पूछता है
कि तुम दुनिया में रहना पसंद करते हो या आखिर। हर पैगंबर से अल्लाह ताला उसकी मौत के वक्त ये पैगंबर के अलावा किसी को ये रुतबा हासिल नहीं है, सिर्फ पैगंबर को ये रुतबा हासिल है कि अल्लाह उसके आखिरी वक्त में उससे पूछता है दुनिया में रहना पसंद करता है या मेरे पास आना पसंद करता है। मूसा अलैहि सलाम से भी पूछा गया कि अगर तू दुनिया में रहना पसंद करता है तो बैल के ऊपर ऐसे अपना हाथ रख, तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले तुझे इतने साल उम्र मिल जाए। पूछा इसके बाद फिर क्या होगा, कहा फिर मौत है। कहा जब इसके बाद भी मौत है तो फिर आज क्यों है, हर पैगंबर से पूछा जाता है लेकिन कोई एक पैगंबर भी ऐसा नहीं गुजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, एक पैगंबर भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो अल्लाह मुझे अभी दुनिया में रहना है, मुझे अभी दुनिया में रहना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जो उनको वो ठिकाना, जो आखिर वक्त का वो ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दिखाता है और वो जो प्रोटोकॉल देता है, तो कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि अल्लाह मुझे दुनिया में रहना। अल्लाह कहे, फिर बंदा कहता है अल्लाह शाम की बजाय मुझे अभी उठा, दोपहर की बजाय अभी उठा, आधा घंटा बाद की बजाय अभी उठा दे, मैं इस जगह को छोड़कर यहां रह गई थी, दुनिया में इतने दुख है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने पिछले जुम्मा बड़ी ही देर से आपको बताया कि दुखों की वजह से इंसान खुदकुशियां करता है, मौत की तमन्ना करता है, आरजुएं करता है, लेकिन इन दुखों से निजात का एक ही जरिया है, मरना तो हमने है ही, ये नहीं कि हम नहीं मरेंगे, गुनाहगार हैं फिर भी मरेंगे, नेक हैं फिर भी मरेंगे, नमाजी हैं फिर भी मरेंगे, बेनमाज हैं फिर भी मरेंगे, लेकिन अगर आखिरत अच्छी करके मरे, हमारी आगे की जिंदगी अच्छी हो जाए, आगे की जिंदगी हमारी बन जाए, तो मैं समझता हूं फिर आपकी दुनिया भी काबिले रश्क है और आपकी आखिरत भी काबिले रश्क है। सवाल आया है, मैं यहां लेकर वजाहत कर दी उसकी भी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त में कलमा क्यों भूल गए? भूल नहीं गए बल्कि मैं समझता हूं आपको भुलाया गया, शायद यही हिकमत थी ताकि लोग इस बात को ये लाजम ना समझ लें कि अगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो वो जन्नत में नहीं जाए। असल फैसला हमारी किस जिंदगी पर होना है जो मौत से पहले हमें गुजार के जाए। अल्लाह के रसूल ने कलमा नहीं पढ़ा फिर भी आप जन्नत में सबसे पहले जा रहे, तो यानी आप किस उम्मीद पर नहीं रहो कि मरने मरते वक्त कलमा पढ़ लिया तो बेड़ा पार है, अगर मर सारी जिंदगी जो किया वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ अच्छी बात है कि किसी के मुंह से मरते वक्त भी कलमा निकलता, इसी के लिए हदीस में आता है मोमिन जब फौत होता है उसकी जबीन पर पसीना आता है, ये निशानी है। मोमिन जब फौत होता है उसकी जबीन कहते हैं इस कनपट्टी से लेकर इस कनपट्टी तक, ये जो बीच का पूरा एरिया है ये जबीन, मौत के वक्त मोमिन की जबीन पर पसीना आता है, लेकिन इससे आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि मरते वक्त आप गौर से हर मुद्दे को देखते रहे इसके पसीना आया कि नहीं, फिर अगर किसी के पसीना नहीं आया तो आप कहें कि जी ये तो मोमिन इसको तो पसीना नहीं। ये ठीक है कि जिसके पसीना आएगा मोमिन है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है जिसके पसीना नहीं आया मोमिन नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कहूं कि दूध हमेशा सफेद होता है, ये बात ठीक, लेकिन अगर कोई शख्स इससे यह नतीजा निकाले तो गलत होगा कि मौली साहब ने कहा दूध हमेशा सफेद होता है लिहाजा हर सफेद चीज दूध होती है, ये गलत है। हमारी मस्जिद भी सफेद है, चूना भी सफेद है, कपड़ा भी सफेद है, बहुत सारी चीजें सफेद है, लेकिन यह जरूरी है कि दूध सफेद होता है, दूध काला नहीं होता, दूध जरूर सफेद होगा लेकिन हर सफेद चीज दूध नहीं होती। तो दूसरा मनफी नतीजा आप निकालने की कोशिश ना किया करें, ये आदत और ये तर्क अच्छा है। इन्हो काला जगह अगले जुम्मा इंशाल्लाह इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे, बात अभी कुछ अधूरी है।